आना है, सब जगह आना है, दोनों रास्ते आना है, लगाना बात कही तो बलि देने वाले लगा कौन है वो बलि देने वाले भाई, बलि प्रथा भी तो है ना, ये उस प्रथा वाले कौन लगते हैं जो बलि देने वाले हैं। ये कहा कि दोनों प्रथाएं देश में चलती है, ये पुजारी से तो लगे बीजेपी वाले बात करते हैं, ये हम पूजा पार्टी वाले हैं, लेकिन ये उस परंपरा वाले लगते हैं हमको, क्योंकि झगड़ा करते हैं, बलि परंपरा वाले लगते हैं चर्बी निकाल देंगे, वो उसका हमारा वो अगर क्लियर कट कोई देखो, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, लेकिन वो किसको हिंट करके कहा वो हमारी समझ से परे है, उसका हमारा कोई और नहीं है, और दूसरे ने भी जो कहा उसका भी हमारा नहीं वो नहीं है, और इस तरह की बयानबाजी नहीं, नीचे कर ले यार थोड़ी सी भाई, उसकी जांच होनी चाहिए, हमला तो हुआ है, गोलियां लगी है, तो उसकी पूर्ण रूप से जांच, क्या वो राजनीतिक फायदा लेने नहीं, वो तो जांच से ही पता चलेगा कि गोली किस एंगल से कहां चली, तो वो तो है ही भाई, उसमें क्या दिक्कत हो गया, उसमें क्या दिक्कत होगी, वो तो है, चाचू जान के हमले क्या कहना चाह रहे, नहीं नहीं हमला होना किसी पे भी वो गलत है, पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, हमला हमला वो किसी पे भी हो, और प्रदेश की जिम्मेदारी पड़ती है कि सुरक्षा है, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, हमने तो कहा कि उनसे बैठ के बात करो, 750 किसान शहीद हुए, एक बार सत्ताजित हुआ, और मैं उनकी बात करो, अपने क्वेश्चन करो, सवाल जवाब करने चाहिए भाई, देखो दो अगर पांच अगर 10 रुपए का भी घड़ा लेते हैं 50 रुपए का, तो उसको ऐसे 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 बजा के देखे हैं कहीं तक खोखरा तो नहीं, भाई तो चुनाव का है, 5 साल के लिए चुना जाएगा, तो बिल्कुल थोक बजा के बिल्कुल तैयार करके ले, हम किसी का साथ नहीं, हमारे भरोसे कोई ना रहे, हमने एक प्लेटफॉर्म बना के दिया, किसान मोर्चा इस आंदोलन को सड़क पर लाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, नहीं नहीं अब आंदोलन का टाइम नहीं है ना, हम तो प्रेस के माध्यम से, देखो प्रेस जो है वो कलयुग की भगवान है, तो प्रेस के माध्यम से हम अपनी बात कह रहे हैं, के माध्यम से गांव तक कह रहे, और हमारा आंदोलन तो कोई भी सरकार बने, अगर राजस्थान में किसी दूसरी पार्टी की सरकार थी, अगर वहां पे किसान की जमीन नीलाम हुई तो वहां पे भी हमारा, आप बिल्कुल मेरा मीडिया के साथियों से सवाल है कि उनके घर पर जाके एक बार जरूर दिखाओ कि ट्रैक्टर का 1 साल पुराना है, उनके घर में पंपिंग सेट चल जाएगा, अगर उनके घर में जनरेटर है क्या, ये सारे हमारे सवाल है, हमने ये पर्चे के माध्यम से जनता को कहा, जनता तो पर्चे से पहले ही लग रही, जनता तो लगी हुई है, हमने तो बहुत पहले ये कहा कि जनता आने वाले कैंडिडेट से उनके लोगों से सवाल जवाब करे, कि हमारे क्वेश्चन है, मेरे गांव का अस्पताल का क्या हाल है, मेरे गांव के स्कूल का क्या हाल है, जो सिलेंडर जो महंगाई है उसका क्या हाल है, सड़क का क्या स्थिति है, फसलों के दाम क्यों कम हैं, ये बहुत से सवाल करें, अगर वो विधायक है चुना हुआ तो उसका खर्चे का बोरा ले, कि आपने 5 साल में जो पैसा खर्च करा है उसका एक व्हाइट पेपर पे पूरा लिख कर दे दे, सबको दे दे कि इतना पैसा मिला, ये इतना पैसा मैंने यहां यहां लगाया, वो ही दे दे, ये सारे सवाल जनता ने अब की बार सीख दिए कर दी, 13 महीने आंदोलन क्यों चला दिल्ली में, उसका जवाब भी उन्हीं से लेना जनता को चाहिए, हमने कहा कि आधे रेट में फसल बेच के वोट कहां देनी, वो खुद समझदार है, अब उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो दूसरा एक बड़ा ट्रायल चल रहा है पिछले 1 महीने से, तो एक बिरादरी को टारगेट कर रखा है चुनाव में, क्या उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, क्या उसको दूसरी बिरादरियों से एक अलग काम किया जा रहा है, 1 महीने से पूरा टारगेट पे मीडिया से लगाकर सरकार तक वही है, क्या इस देश में और यहां पे खासकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो या इनके बड़े बड़े लीडर हो, वे सब आ रहे हैं,
और यमुना के खादर से शुरू करते हैं और मुजफ्फरनगर को जाकर वहीं घूम रहे, क्योंकि एक फील्ड वहां पे उनको मिला, एक स्टेडियम है वहां पे, उसी में एक मैच कराना चाहते हैं। हमने कहा भाई वो मैच अब की बार मुजफ्फरनगर की धरती पर तो होगा नहीं, कि उस मैच से हार जीत आप करना चाहते हो, वहां वो हिंदू मुस्लिम का मैच होगा ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा। ये 2.5 महीने का जो प्रोसेसिंग इनकी आई है कि हिंदू मुस्लिम जिन्ना क्या आप वहां पे खेल लोगे, वो मैच उस मुजफ्फरनगर और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर तो कहीं पे भी आपका स्टार्ट हो नहीं रहा। गांव के लोग तैयार बैठे हैं पूर्ण रूप से कि कोई भी ये बातचीत करे, ये सरकारी स्पीच है, ये इलेक्शन की स्पीच है, हमने जनता को कहा कि इन स्पीच पे आपको नहीं जाना। बीजेपी नाम ले रही है क्या गांव में, गांव में आपको लगता है इसका रिएक्शन है? ये तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, ये बिहार में गए लालू प्रसाद के परिवार को तोड़ा, ये उत्तर प्रदेश में गए मुलायम के परिवार को तोड़ा, ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाया, ये हरियाणा में गए तो जाट वर्सेस नॉट जाट करा, ये गुजरात में गए तो पटेल नॉन पटेल की राजनीति करी, ये महाराष्ट्र में गए तो मराठा नॉन मराठा की करी, साउथ में गए तो ये दूसरे तरीके की बात वहां पर करते हैं। तो ये तोड़फोड़ का काम करे, इनसे भाई बच के रहना, हमने ये कहा है। सर आपके हिसाब से किस तरह से राजनीति करनी चाहिए और किस तरह से विकास के इशू पे आगे बढ़ना चाहिए? विकास के इशू पे वो करना चाहिए, एजुकेशन, ये कोरोना काल में मतलब बड़े आपका ट्रैक्टर आप लगा लो, जो ट्रैक्टर दिल्ली में गए थे वो ट्रैक्टर वो थे कि जो ज्यादातर ट्रैक्टर 10 साल पुराने थे, क्या कोई किसान है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर नया ट्रैक्टर खरीद लगा? क्या जितने इन पार्टियों को वोट दे रहे हैं जो बीजेपी विचारधारा के लोग हैं, क्या उन्हें एनजीटी का कानून मान लिया? वे अपना ट्रैक्टर, अपना पंपिंग सेट, अपनी 10 साल पुरानी गाड़ी वे खड़ी करें और उसके बाद कहें कि हाँ हमने वो कानून मानते हैं हम। तो ये हमने पूरे उत्तर प्रदेश में इसी मिशन के साथ में हम लोग जा रहे और लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि पर्चे से पहले लोग नहीं लग रहे, आपने पूरा उसका रिजल्ट देखा, ये उनके एमपी एमएलए जब गांव में आते हैं तो लोग उनसे सवाल जवाब करते हैं, ये एक आंदोलन से बड़ी चीज हुई है। आने वाले टाइम पे जो यूथ है, जो युवा है, जो बेरोजगार हो रहे हैं, वे इस इलेक्शन के बाद में वे भी खड़े हो रहे हैं, हम भी पूरे देश भर में इसके बाद में हम जाएंगे, हम उन आदिवासी क्षेत्रों में भी जाएंगे, उन जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो यूनिवर्सिटियां हैं उसमें भी जाएंगे, हम उन चाय के बागानों में भी जाएंगे जिनकी जमीन ने छीन के बड़े बड़े बागान बने, और उसी तरह की पॉलिसी वे यहाँ पे भी बनाना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे किसानों को कर्जा देकर इनकी जमीन छीनो और यहाँ पे बड़े बड़े फार्मिंग तरीके से यहाँ पे खेती करो, तो वो मनसूबे इनके कभी भी पार नहीं होंगे। प्रत्याशियों की गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं, उसको आप कितना ना हमला कहा कर रहे हैं? हमने ये कहा उन लोगों को भी कि इन्हें बुलवा के इनसे सवाल जवाब करो, जैसे ही गांव के लोग क्वेश्चन करें वे भाग जा, भागना नहीं चाहिए, उनके जवाब देने चाहिए उनको। बीजेपी बीजेपी काफी रिसोर्सफुल पार्टी है जमा, और एक हिंदुत्व का पूरा एक मॉडल जो डेवलप किया गया राइट 2013 के राइट के बाद, तो संयुक्त किसान मोर्चा इस हिंदुत्व से कैसे लड़ेगा? यहाँ का चलेगा वो मॉडल नहीं, एक में चला ना, अब नहीं चलेगा। तो वो क्या रोड मैप था आपका? वो विकास का रोड मैप, रोड मैप थे खैली गांव में लोग क्वेश्चन कर तो रहे, वो चलेगा ही नहीं पुराना मॉडल, और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने का ठेका बीजेपी के पास में नहीं है, ना वो ठेका ले, वो ये नहीं के असली हिंदू वही होगा जो वहां से सर्टिफाइड होगा, वो इस ठेकेदारी को ना ले, अपना काम करें, जो उनका काम है विकास का काम है उस पर करें, और मुख्यमंत्री किसी पार्टी का प्रचार ना करें, पकड़ा जाएगा
मुख्यमंत्री चोरी करता है पकड़ा जाए तो ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री है सबका है हमारा भी है। हमारा सवाल जवाब उन्हीं से ही है, और देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, वो सबके होते हैं। ये एक किस्म से चोरी है कि कहीं आप नौकरी करोगे किसी के आप देके जाओगे कुछ लेके जाओगे ना, आप सबके हो, आपने जो काम करा वो करो। किसान मोर्चे मुख्यमंत्री किसान मोर्चे के भी है, ये अपील सिर्फ किसानों से है बीजेपी को सजा देने की, ना जनता से है भाई, जनता अपना काम करें, इनसे क्वेश्चन करें और क्वेश्चन में फेल पास करें। ब्लैक कोड है ये एक ब्लैक कोड है, और ब्लैक कोड पे जो पास होगा उस पर अपना काम कर ले। आप कह रहे हैं कि जनता अपना काम करे, आपने अब बताया कि जब वोट मांगने आए तो उनके सामने ये बातें रखी है क्योंकि बीजेपी को सजा देनी है। पार्टी मैदान में तीन है, अब हम किसान के अगर बच्चे हैं तो आप हमें ये भी तो सुझाव दीजिए कि हम किस पार्टी की तरफ। आप दे रेट पे फसल बेच के कहां क्या करना है आप कर सकते हो। भाई 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में भी अगर ये बताना पड़ा कि क्या करना है, भाई देश के प्रधानमंत्री ने आज तक किसान का नाम नहीं लिया जो किसान शहीद हो गए, तो इसका मतलब है किसान से खुंदक मानते हैं। ये क्वेश्चन जरूर करें, जो भी उनसे वोट मांगने आए वे बीजेपी के लोग हो या दूसरे लोग भी हैं, उनसे ये करेंगे जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण कर लो, वहां से उनकी शुरुआत करें। अगर वे मौन धारण करेंगे तो क्वेश्चन का जवाब भी देंगे, अगर मौन धारण नहीं करते तो भाई अपना जाओ। यहां से उनसे शुरुआत करनी चाहिए, हर आदमी से शुरुआत करें। आप खड़े हो जो 750 किसान शहीद हुए उनके लिए 1 मिनट का मौन धारण करें, वे कर जनता देखना चाहती है कि हॉस्पिटल बना या नहीं बना, मेरे बच्चे की फीस का क्या होगा, उनके स्कूल खुले या नहीं खुले। स्कूल बंद है पूर्ण रूप से क्योंकि अनपढ़ बच्चे बढ़ाना चाहते हैं, इनको देश में मजदूर चाहिए। इस देश को मजदूर कॉलोनी बनाने का एक जो बड़ा षड्यंत्र है वो सबको जानकारी हो जानी चाहिए कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे मजदूर चाहिए इनको, जो इन्होंने कानून में संशोधन करा लेबर एक्ट में, इनको लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए सस्ता। और आपने उसका हाल देखा होगा कि बिहार में पूर्ण रूप से बिहार के जो किसान थे उन्होंने अपने आप को मजदूरों में तब्दील कर लिया, खेती किसानी छोड़ दी, मंडी पिछले 14-15 साल से बंद है और उन्होंने पलायन शुरू कर दिया, वहां से रोजगार की तलाश में पूरे देश भर में जाते हैं, वहां पे आंदोलन भी नहीं है, जिला है पूर्ण रूप से उन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया। तो इसी तरह से पूरा देश की जमीन को हड़पने का षड्यंत्र है, पूरे देश के नौजवानों को मजदूर बनाने का षड्यंत्र है। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना, और ये जो पर्चा है इसको लेके गांव गांव तक आप इसको जाओ, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करो। लेकिन वहां पे भी सारे चैनल दिल्ली और महाराष्ट्र के चैनल वहां पे आए हुए थे, और अपने भी चैनल थे, उनका नाम नहीं यहाँ से लेंगे कि कौन कौन से थे, उन्हें लेट करें, आप नहीं लेट करेंगे, रास्ते लोग को मिले हुए। देखो मुद्दा बिल्कुल साफ है, मुद्दा साफ ये है कि अब किसान को, गांव को, मजदूर को, दुकानदार को करना क्या है, आदिवासी को करना क्या है, यहाँ है नहीं आदिवासी, लेकिन हालात देश के ठीक नहीं है। जो दुकानदार है वो भी तंग है, और अभी और उसकी अभी हालात खराब होगी क्योंकि एक दुकानदार 100 परिवारों को उधार सामान देता है, हालात उसकी भी खस्ता होगी। जो मजदूर है जिसके पास में जमीन नहीं है, वे महिलाएं दूध का काम करती हैं, दूध की भी एक पॉलिसी भारत सरकार लेकर आ रही थी जो डेयरी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बिकेगी, तो दूध का किसान वे मजदूर वे महिलाएं जो भूमिहीन है वो भी पूर्ण रूप से उनका भी व्यवसाय खत्म होगा, पशुधन देश से खत्म होगा। किसान की हालात वही खराब, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है।
एमएसपी पे बहुत बड़ा घोटाला है अभी भी, बहुत कहने के बावजूद पिछले साल करीब 11,000 फर्जी कार्ड अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट में किसान के नाम से बने, अब की बार करीब 1,000 से ज्यादा किसान फर्जी बनाए, उस पर धान की तुबाई हुई अकेले एक जिले में, वहां पर पूरा वो डाटा उसका आ गया है। ये जो कहते हैं ना कि इतने ये 2,37,000 करोड़ की हम खरीद करेंगे, इसमें 1,00,000 करोड़ रुपया सीधा व्यापारियों की जेब में जाएगा। सस्ते में खरीद करते हैं और महंगे में एमएसपी पे बेचते हैं, जितनी खरीद होती है इसका भी लाभ किसान को नहीं है। जब किसान का एमएसपी का गारंटी बन जाएगा कि इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी, तो कम से कम जो सस्ते में खरीद होती है वो बच जाएगी, उसका लाभ किसान को हो जाएगा। ये इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाना चाहते कि जो इनके व्यापारी दोस्त हैं उनको नुकसान ना हो जाए। हाँ, तो अपने आप ही सजा मार दी है, जब उन्होंने मान लिया तो बताओ हमारी क्या गलती भाई। हमारा लड़ाई है सरकार से, हमारा मुद्दा है भारत सरकार, और भारत सरकार कोई पार्टी नहीं हो सकती है। कोई नहीं भ्रमित होता, वोटर बहुत होशियार है। आज सुझाव उनको दे दिया हमने, मेरा क्या अनुभव, आधे रेट में फसल बेच के किसको वोट कहाँ देनी वो दे सकता है। हम तो कोई जाट संगठन चलाते नहीं भाई, ना ना हम कोई कॉम्युनिटी संगठन नहीं चलाते, हम किसान आंदोलन चलाते हैं। आप यहाँ पे बहुत संस्थाएं उनकी होगी, उनके अध्यक्ष होंगे, आप उनसे जरूर उस संबंध में बात करें। एक जाति को बदनाम करने की आपने बात, बदनाम करने की साजिश कच्ची रची जा रही है। वो जाति थी जाती, वो कौन सी जाति है भाई, कौन सी जाति का एक महीने से नाम लिया जा रहा है भाई, ना हम नहीं लेते। आप वो मैच हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का मैच मुझे पनागा पश्चिम की धरती पे यहाँ के स्टेडियम में नहीं खेला जाएगा। अगर कोई खेलने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज करेंगे हम यहाँ पे। वो मैच चलेगा नहीं। कौन खेलना चाहता उस मैच को? अरे जो खेलना चाहेगा बता दे, क्या बता भाई कौन खेलना चाह, जो बयानबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी जो कर रहे हैं वो मैच चलेगा नहीं। बहुत दिन से, पिछले 10 दिन से 10 क्या 15-20 दिन हो गए उसको ट्राल कर रहे हैं, पुराना मॉडल ले रहे उसी पे पेंट कर नया मॉडल लिख कर उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे, वो स्टार्ट होगा ही नहीं। देखो है क्या के मुख्यमंत्री जी को भी अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए, वो विकास की बात करे, जो उन्हें काम करे वो काम गिनवा रहे, एक आधा काम मुख्यमंत्री रहे तो वे भी कर देते हैं, तो अपनी बात कहें वे। ये तो वैसी भाषा है जो चलते फिरते लोग करते हैं, उनकी भाषा ये शोभा नहीं देती। संत आदमी है कहीं की भाषा पे लग रहे हैं, ये उनके खिलाफ कोई दूसरा कह रहे कहे, अपने जो उन्होंने विकास करे उनको गिनवावे।